तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गया, लेकिन आज भी मेरा तरफ यही है कि मैं मियाँ मोहम्मद अब्बास शहीद सब इंस्पेक्टर का बेटा हूँ। ये बेहतरीन मिसाल है कि शहीद कभी मरते नहीं, आज भी उनका नाम उसी तरह जिंदा है जिस तरह आज से 20 साल पहले था। मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि मैंने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। ये पुलिस की यादगारें शुदा है, मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ। मेरे वालिद साहब ने भी जामे शहादत नोश किया, एक पुलिस इनकाउंटर में उनकी शहादत हुई, तो यहाँ आके मुझे एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है। मेरे वालिद साहब जब शहीद हुए उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल के करीब थी, हम लोग चार बहन भाई थे और सारे छोटे थे। मेरी उम्र उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के करीब थी। मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी वालदा ने बड़ा वाइस और बोल्ड डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा मैं गाँव वापस पाकपतन शरीफ नहीं जाऊँगी और यहीं पर अपने बच्चों का ब्रॉटअप और एजुकेशन कम्प्लीट करूँगी। पुलिस फोर्स ज्वाइन की और एज ए सी मेरी अपॉइंटमेंट हुई। ए सी के बाद मैं सब इंस्पेक्टर के पर तरक्की याब हुआ और अब मैं इंस्पेक्टर के पर अपने फ्राइज अंजाम दे रहा हूँ। मेरी फैमिली में भी मेरे दो छोटे बच्चे हैं और मेरी मिसेज हैं, और उनकी भी बहुत सारी रिजर्वेशन हैं इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक जो है शहादत अपने घर पर ले चुके हैं और दूसरी वो बड़े कई दफ़ा इस चीज़ में परेशान होते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बायस इत्मीनान बात है कि मैं अपने फ़र्ज़ के मनसबी जो है बड़ी मेहनत से और अपनी पूरी सलाहियतों के मुताबिक अंजाम दे रहा हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी हमें इज्जत बख्शी और हमारे घर तशरीफ़ लाए और मेरे वालिद की शहादत को एक्नॉलेज किया। जहाँ तक हॉबी का तल्लुक है, लव ट्रैवलिंग, ईटिंग, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक।